हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, टुडे वी स्टार्ट अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम्स. ओके, नाउ लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम. सो वी कैन ऑल्सो स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर बाय ड्राइंग रे डायग्राम्स. स्टूडेंट्स, हम सभी किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा बनने वाले जो इमेज है उसको रे डायग्राम के द्वारा स्टडी कर सकते हैं. और इसके लिए मान लेते हैं कोई एक बड़ी सी ऑब्जेक्ट है जो एक फाइनाइट साइज की हो, उसे किसी स्फेरिकल मिरर के जस्ट सामने हम रखते हैं एंड इच स्मॉल पोर्शन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक्ट लाइक अ पॉइंट सोर्स. और उस ऑब्जेक्ट के प्रत्येक पोर्शन को हम एक पॉइंट सोर्स मान सकते हैं और उन पॉइंट सोर्स से विभिन्न प्रकार की अनगिनत रेज वहां से उत्पन्न होती हैं. टू कॉन्स्ट्रक्ट द रे डायग्राम इन ऑर्डर टू लोकेट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आर्बिट्रेरली लार्ज नंबर ऑफ रेज मिनेंटिंग फ्रॉम ए पॉइंट कुड बी कंसीडर्ड. तो हम मान सकते हैं कि जब हम उसका रे डायग्राम शो करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट काफी बड़ी है, तो उसके प्रत्येक पोर्शन जिसे हमने एक पॉइंट के रूप में माना है वहां से विभिन्न प्रकार की रेज उत्पन्न होंगी जो उस मिरर से टकराएंगी. तो हम उन सभी पॉइंट से निकलने वाली रेज को मान सकते हैं कि इस तरह से एक ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं. तो हाउएवर इट इज मोर कन्वीनियंट टू कंसिडर ओनली टू रेज, जबकि इनमें से हम केवल किसी भी ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम केवल दो रे के द्वारा हम प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि उस इमेज की क्लैरिटी और रे डायग्राम को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने के लिए सभी रेज को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है. इसलिए ऐसी हमें सिर्फ दो ही रेज को हम चूज करते हैं इसका रे डायग्राम शो करने के लिए, जिसमें उसके डायरेक्शन और उन रेज का रिफ्लेक्शन के बाद स्थिति क्या होगी इसको हम दर्शाते हैं. द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज गिव द पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट. उन इंसिडेंस रेज का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम उस इमेज के पॉइंट को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जहां पे उसका इमेज बनता है. तो इसके लिए हमें कम से कम दो ऐसी रेज को लोकेट करना होगा. नाउ लुक एट द फिगर नंबर 10.3. अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर. एक ऐसी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हो और रिफ्लेक्शन के पश्चात वह प्रिंसिपल फोकस से होकर जाए या फिर किसी कॉन्वेक्स मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स प्रिंसिपल फोकस से आती हुई प्रतीत हो, जैसा कि डायग्राम ए और बी में शो किया गया है कि डायग्राम नंबर ए, इन दिस डायग्राम दिस इज अ कॉनकेव मिरर. इसमें जैसा कि आप फिगर नंबर ए में देख सकते हैं, कॉनकेव मिरर पर एक इंसिडेंस रे आती हुई प्रतीत हो रही है, उसके बाद वहां से रिफ्लेक्शन के बाद वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पॉइंट से होकर जाती है. और इसी तरह से अगर हम फिगर नंबर बी की बात करें तो इसमें एक कॉनकेव लेंस दिया गया है जहां पे कोई इंसिडेंस रे रिफ्लेक्शन के बावजूद ऐसा लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, बट ऐसा हमें सिर्फ प्रतीत हो रहा है और रियलिटी ऐसा नहीं है. नाउ लुक एट फिगर नंबर 2. ए रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर आर ए रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन. इन फिगर 10.4 ए एंड बी
There are rays passing through the principal focus of a concave mirror or a convex mirror. After reflection will emerge parallel to the principal axis. This is illustrated in this figure. फ्रेंड जैसा कि सेकेंड केस में आप देख सकते हैं फिगर नंबर ए जो कि एक कॉनकेव मिरर जिसमें कोई इंसिडेंस रे फोकस पॉइंट से होते हुए अगर उस मिरर पर पड़ती है तो पुनः रिफ्लेक्शन के बाद वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर की जाती है. अगर हम इसी को कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू ऑब्जर्व करें तो हम देखते हैं कि कोई ऐसी इंसिडेंस रे जो उस मिरर के फोकस पॉइंट पर आती ही प्रतीत होती है रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई रे फोकस पॉइंट से जाते हुए उस मिरर पे पड़ती है तो फोकस पॉइंट से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद वो उस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, चाहे वो कॉनकेव या फिर वो कॉन्वेक्स लेंस हो. इसी तरह से फिगर नंबर अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें जिसमें ए रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर आर डायरेक्टेड इन द मिरर इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बाय अलोंग द सेम पाथ. फ्रेंड्स थर्ड स्टेट फिगर नंबर 10.5 ए और बी में आप देख सकते हैं कि अगर कोई रे कोई इंसिडेंस रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाते हुए किसी मिरर पर पड़ती है जैसे कि कॉनकेव मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वो उसी रास्ते पे पुनः लौट जाती है. और इसी तरह से अगर हम इसको किसी कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू देखें तो एक ऐसी इंसिडेंस रे जो उस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती हुई प्रतीत होती है तो उसका रिफ्लेक्शन के बाद वो रे पुनः उसी रास्ते पर लौट जाती है. तो इस तरह से हम इसको रे डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं. एंड स्टेट नंबर 4 अ रे इंसिडेंस ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड अ पॉइंट पी विच इज द पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉनकेव मिरर फिगर 10.6 ए आर ए कॉन्वेक्स मिरर फिगर 10.6 बी is reflected obliquely. The incidence and the reflected rays follow the law of reflection at point of incidence, making equal angles with the principal axis. Friends, position number 4th में हम देख सकते हैं कि एक ऐसी incidence ray अगर किसी principal axis के तिरछे obliquely means तिरछे अगर पड़ती है तो उस मिरर से टकराने के बाद वो इंसिडेंस रे ऑब्लिकली वहां से पास होती है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या फिर वो कॉन्वेक्स मिरर हो. और ये रे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, मीन्स ये ऑब्लिक रे के द्वारा बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों ही एंगल सेम होता है. तो रिमेंबर दैट इन ऑल द अबव केसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. द इंसिडेंस रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस. आपको एक बार याद दिला दें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने दो लॉ पढ़ा था. नंबर फर्स्ट कि उस इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल means angle of incidence और angle of reflection दोनों equal होते हैं. Now look at the image formation by concave mirror. Students अब हम यहाँ पे one by one concave mirror और convex mirror के द्वारा बनने वाले image को ray diagram के through understand करने का प्रयास करते हैं. तो number A image formation by concave mirror. Figure 10.7 illustrates the ray diagram for the formation of image by a concave mirror for various position of the object. Okay, students. So, figure number A. In this figure, you look at
There is an object AB placed in front of the mirror at infinity point. The incidence ray meets on the focus point after reflection. It means the image found by concave mirror to the center of to the focus point of the mirror. If the object placed at infinity place, and in number B, if the object beyond B, beyond C, then the image found by the concave mirror between center of curvature and focus point. Okay. स्टूडेंट फिगर नंबर ए में यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी कॉनकेव मिरर से इन्फिनिटी पॉइंट पर रखी हो तो उसके द्वारा बनने वाला जो इमेज होता है वो उस मिरर के फोकस पॉइंट पे बनता है और इस इमेज की जो पोजीशन होगी इस इमेज का जो नेचर होगा वो रियल और इन्वर्टेड होगा और प्लस इस इमेज की जो साइज होगी वो रियली हाईली डैमेज्ड होगी. इसी तरह से अगर उस ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे प्लेस किया जाए तो फिर उसके द्वारा बनने वाला इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पॉइंट के बीच में बनता है और इस इमेज की साइज भी पहले से थोड़ी सी बड़ी होगी, मीन्स डैमेज्ड होगी बट नॉट लार्ज. एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. नाउ लुक एट इन फिगर नंबर सी. इफ द ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर then the image formed by concave mirror at the focus point of the mirror. And number D, if the mirror placed on focus point then the image found by the mirror is on center of curvature. Okay students, so students आप देख सकते हैं ray diagram में किसी concave mirror के द्वारा विभिन्न स्थितियों में रखे गए object का image कहाँ पे बनता है. तो इस तरह से आप ray diagram के through किसी concave mirror के द्वारा बनने वाले image को understand कर सकते हैं. Okay, next हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स के बारे में कि कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस सर्च लाइट एंड व्हीकल सैटेलाइट टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट. फ्रेंड्स कॉनकेव मिरर का सामान्यतः जो प्रयोग होता है वो टॉर्च जैसे कि टॉर्च या सर्च लाइट या फिर गाड़ियों के जो हेडलाइट्स होते हैं उनके उनसे निकलने वाली प्रकाश को पावरफुल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. And they are often used as a saving mirror to see a larger image of the face. कभी कभी concave mirror का इस्तेमाल saving mirror के रूप में भी किया जाता है जिससे कि उस पर दिखने वाला जो face हो वो काफी बड़ा हो. Okay. The dentist use concave mirror to see large image to the teeth of patient. और concave mirror का इस्तेमाल dentist भी अपने पेशेंट के दांतों को बड़ा करके देखने में भी करते हैं. एंड लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस. और इसके अलावा बड़े बड़े कॉनकेव मिरर्स का इस्तेमाल सूर्य की आती हुई किरणों को कंसंट्रेट कर